सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के, इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है, तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं, देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1,00,000 नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था, हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस, संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहां पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था, अभी लगातार हर साल लगभग 1,25,000 लोग इसमें, लगातार 1,00,000 से 1,25,000 लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी तक जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 मतलब लगभग वही एवरेज है, लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1,25,000 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम भी उनके लिए नए नए